हेलो दोस्तों, तो फाइनली रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 350 को भी जे इंजन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 1.74 लाख एक्स शोरूम रखी गई है। तो कंपेयर टू जो क्लासिक 350 है उससे ये 19,000 रुपये सस्ती है और 24,000 रुपये महंगी है कंपेयर टू हंटर 350। नई वाली बुलेट 350 में आपको टोटल 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 2 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक। बेस वेरिएंट की जो प्राइस है ये 1,73,562 रुपीज़ है। इसमें आपको जो है फ्रंट में डिस्क मिलेगा लेकिन पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने के लिए मिलेगा। इसका जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको 2 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, स्टैंडर्ड मरून एंड स्टैंडर्ड ब्लैक। इसकी प्राइस है 1,97,436 रुपीज़ एक शोरूम और इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा और डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलेगा। इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है ये 2,15,801 रुपीज़ है। इसमें जो कलर आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लैक गोल्ड स्कीम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। चेंजेस की यहाँ पे बात करें तो गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। पूरी गाड़ी एकदम नई है लेकिन दिखने में अगर आप बोलेंगे तो पहले का जो मॉडल चलता आ रहा था वैसा ही दिखने में लगता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें आपको जे सीरीज़ का इंजन मिलता है जो कि आपको क्लासिक 350 और हंटर 350 और मिटियोर 350 में यूज़ किया गया है वही वाला इंजन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको 349 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जिसकी मैक्सिमम पावर 20.2 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क 27 Nm का। इसमें आपको 5-speed का गियर बॉक्स मिलता है। इस बाइक में एक न्यू फ्रेम देखने के लिए मिलता है जो कि जे सीरीज़ के इंजन को माउंट करता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं आगे की तरफ और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर देखने के लिए मिलता है। कंपेयर टू क्लासिक 350 यहाँ पे आपको सिंगल सीट देखने के लिए मिलता है, एक थोड़ा ज़्यादा अपराइट हैंडल बार देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू क्लासिक 350। हैंडल बार का जो डिज़ाइन है उसको भी चेंज कर दिया गया है, अभी इसमें और ज़्यादा अपराइट राइडिंग पोजीशन देखने के लिए मिलता है। रेक्टेंगुलर साइड बॉक्सेस का भी डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, जो रियर फेंडर है उसका भी डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और टेल लैंप की हाउसिंग है उसको भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो टेल लैंप है वो जो है बेसिकली आपका क्लासिक 350 से ही लिया गया है। फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। लाइट की यहाँ पे बात करें तो हेडलाइट जो इसमें मिलती है वो आपको हेलोजन ही देखने के लिए मिलती है, इसमें LED हेडलाइट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे इसमें स्पोक वाले व्हील्स मिलते हैं बट इसमें आप अलॉय व्हील्स भी लगा सकते हैं और ट्रिपर नेविगेशन भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉयल एनफील्ड्स MIY कॉन्फ़िगरेटर।